हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ के हेमाबायोलॉजी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम आपके लिए लेके आए हैं की पॉइंट्स ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि इस सेशन के दौरान आप जेनेटिक्स के छोटे छोटे की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को लगता है कि जेनेटिक्स एक हवा है, यानी कि जेनेटिक्स के क्वेश्चंस उनके सामने आते हैं, न्यूमेरिकल्स उनके सामने आते हैं और वो डर जाते हैं। पर इन की पॉइंट्स को जानने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। तो जेनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे, बहुत कम टाइम में सॉल्व होंगे, पर शर्त ये है कि आपको की पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज से हम आपके लिए हर रोज एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे जेनेटिक्स के की पॉइंट्स की, कि शुरुआत, अगर आपको जेनेटिक्स को समझना है तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है और आपके क्या क्या पॉइंट्स वहाँ पर क्लियर होने चाहिए। तो चलिए, जो हमने आज का पहला क्वेश्चन रखा है वो ये है, व्हाट इज जीन्स एंड एलील एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। यानी कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जीन क्या है, एलील क्या है और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। कुछ बच्चे इन्हें एक समझते हैं और कुछ बच्चों को लगता है कि यार ये डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो कैसे डिफरेंट है। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे बहुत ही कम समय में। बस वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपना आंसर खोजते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर, आपके सामने साफ साफ शब्दों में लिखा है। अगर मैं बात करूं जीन्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूं जीन की, तो मेरे प्यारे बच्चों जीन, ठीक है, ये है जीन। जीन क्या है? अगर टेक्निकल टर्म में इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो जीन कुछ इस प्रकार का है। अ जीन रिफर्स टू डिस्टिंक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन। इट इज आल्सो नोन एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी कि अगर हम टेक्निकल टर्म में इसको समझने की कोशिश करें तो जीन जो है वो सीक्वेंस है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है वो है जो एनकोड करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है, और इस रीजन की वजह से हम यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी इसको कहते हैं। तो हम इसको कुछ इस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये डीएनए का एक सीक्वेंस हम लिखते हैं, ए जी, थोड़ा मोटा पेन ले लेते हैं ना, ए जी ए जी ए टी सी ए। तो ये हमने एक सीक्वेंस ले लिया, तो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, सी जी जी टी टी ए जी। तो ये मैंने एक डीएनए का सीक्वेंस लिखा। अब इसमें से मान लेते हैं कि ये वाला यहां से लेके यहां तक एक जो पोर्शन है वो एक जीन है, ठीक है, ये एक जीन है टी सी ए सी जी जी, ओके, और ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन को, कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो है उसको एनकोड कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी एक एंजाइम है, कोई भी एक कैरेक्टर है, उसको ये एनकोड कर रहा है। तो डीएनए में ऐसे बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमने प्रोटीन का टर्म लिया क्योंकि जो वो एनकोड जो होते हैं वो प्रोटीन में डिकोड होते हैं, उसके बाद उनका हमें फंक्शन देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कैरेक्टर, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टर, ठीक है, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर को एनकोड कर रहा है, स्पेसिफिक प्रोटीन को एनकोड कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि जीन क्या है, कि जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन को एनकोड करता है, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक एंजाइम को वो एनकोड कर रहा है जो कि पार्टिसिपेट करता है ग्लाइकोलाइसिस में, या फिर वो किसी ऐसे एंजाइम को एनकोड करता है जो पार्टिसिपेट करता है रेस्पिरेशन में, या फिर वो ऐसे एंजाइम को एनकोड कर रहा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलरेशन, ओके, बॉडी के कलर के लिए, या फिर आँख के कलर के लिए, या फिर जो भी हमारे जेनेटिक ट्रेट से
उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये तो हो गया जीन। अगर हम बात करते हैं एलील की, अब हम आते हैं एलील पे। तो एलील को हमने कैसे डिफाइन किया था, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। तो अब अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, तो बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना कि हम जो हैं हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी कि हमारा जो जेनेटिक कंटेंट है वो है 2n, हम डिप्लॉयड है, जिसमें से हमें हाफ क्रोमोसोम अपने पापा से और हाफ क्रोमोसोम अपने मम्मी से मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हर क्रोमोसोम की एक्चुअली दो कॉपीज होती है, ठीक है, दो कॉपीज होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम नंबर 1 है तो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, टोटल दो होंगे ना, एक पापा से मिला एक मम्मी से मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये दोनों एक दूसरे की कॉपी होते हैं, इसीलिए हमारे पास हर पर्टिकुलर कैरेक्टर को इनकोड करने के लिए दो जीन्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दो जीन्स होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्लांट के केस में, पी प्लांट का अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें तो यहाँ पर जो उसकी स्टेम की जो लेंथ है, ठीक है, स्टेम की जो लेंथ है, तो एक प्लांट जो है वो लंबा है तो उसको एनकोड करने वाले जीन को हमने कैपिटल टी से डिनोट किया, और जो छोटा है उस प्लांट के जीन को हमने स्मॉल टी से डिनोट किया। तो अब ये जो टी है ये एक जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड सच कैरेक्टर इज नोन एज लेंथ ऑफ अ टॉलनेस इन अ पी प्लांट, ओके। अनदर इज स्मॉल टी, सो स्मॉल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्ट हाइट इन अ प्लांट। पर अगर इन दोनों जीनों के बीच में, ये प्योर फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ, कैपिटल टी स्मॉल डबल यहाँ पर प्योर फॉर्म होगी, तो यहाँ पर अगर ये वाला जीन और ये वाला जीन गैमिट कंटेन कर रहा है, जो गैमिट इनके बने, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके पास कुछ इस प्रकार से ये हमें दिखाई देगा गैमिट। तो ये जो दोनों है कैपिटल टी स्मॉल टी इंडिविजुअली दे आर नोन एज जीन, कैपिटल टी एक जीन है, स्मॉल टी एक जीन है। पर अगर हम बात करेंगे कैसे इंडिविजुअल में, अगर हम बात करेंगे ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के एलील है, क्योंकि ये क्या करे, अल्टरनेटिव फॉर्म्स को एनकोड करे। दोनों का कैरेक्टर सेम है कि हमें प्लांट की हाइट पे फोकस करना है, यानी कि प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ग हाइट के लिए, जबकि स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है शॉर्ट हाइट के लिए। तो इस प्रकार के जीन हमें हर किसी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो ह्यूमन के केस में ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। तो अब ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हमें ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं, ए बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। तो इन ब्लड ग्रुप को एनकोड करने वाले जो जीन हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, तीन जीन हैं सिर्फ, आई ए, आई बी एंड आई ओ, ठीक है, ये तीन जीन है। तो ये आई ए खुद में एक जीन है, आई बी खुद में एक जीन है और आई ओ भी खुद में एक जीन है, लेकिन ये तीनों आपस में एलील्स हैं, क्योंकि आई ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द ए ब्लड ग्रुप, आई बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बी ब्लड ग्रुप और आई ओ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओ ब्लड ग्रुप, ओके। तो इस कंसेप्ट को कि कैसे ब्लड ग्रुप बनता है वो हम आगे के सेशंस में समझेंगे, लेकिन अभी हमने ये जानना था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीन एंड एलील। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जीन क्या है, जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जो कि एनकोड करता है स्पेसिफिक प्रोटीन और स्पेसिफिक कैरेक्टर को, इस रीजन की वजह से हम इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जबकि अगर हम बात करें एलील की, तो वो उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, यानी कि दो जीन जो एक ही कैरेक्टर को एनकोड कर रहे हैं लेकिन जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट हो जाता है, यानी कि वो ट्रेट्स जो है वो कैरेक्टर और ट्रेट्स वाले चैप्टर सेशन में हम इसको समझेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है कैरेक्टर और ट्रेट्स में। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया हो कि जीन और एलील क्या है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और अभी भी कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें और बताएं कि आपको साथ ही साथ किन
टॉपिक्स को लेके कंफ्यूजन है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी प्यारी प्यारी अच्छी वीडियोज के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।